हेलो गाइस, वेलकम टू आर्यन एजुकेशन चैनल। सभी बच्चों का मैं आर्यन एजुकेशन चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आज आपको ट्रिग्नोमेट्री का टेबल बताऊंगा। बच्चों, आप मेरी वीडियो को सीख मत करिएगा, शुरू से लेकर के आखिरी तक देखिएगा। बच्चों, इस प्रकार के आपको टेबल आप लोग लर्न नहीं कर पाते हैं, तो बच्चों मैं आपको बहुत सरल तरीका बताऊंगा। देखो बच्चों, इसमें क्या करना है। इससे बच्चों हमें ट्रिग्नोमेट्री केवल हमको ठीक इसका हम कैसे हम केवल फाइंड करेंगे, तो कुछ जैसे आपको मैं कुछ डायगनल रिलेशन बता रहा हूँ। तो उस डायगनल रिलेशन को आप यदि दो तीन यदि आपको 0, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री यदि दो तीन मान चार मान आपको छह मान यदि आप याद रखे रहेंगे, तो आप पूरा जो है उसके डायगनल के नियमानुसार आप सभी इसकी जो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को फाइंड कर सकते हैं। तो देखो, जैसे साइन 0 की वैल्यू जितनी होगी उतनी ही जो है कास 90 की वैल्यू होगी, और जितनी कास 0 की वैल्यू होगी उतनी वैल्यू जो होगी साइन 90 की डिग्री की वैल्यू होगी। इसी तरह से टैन 0 की वैल्यू जितनी होगी उतनी ही काट 90 की वैल्यू होगी, और जितना जितना काट 90 की वैल्यू होगी उतनी ही टैन 90 की वैल्यू होगी। इसी तरह से अब हमारा कुछ रिलेशन हम लेते हैं 30 और 60 के बीच में, तो 30 और 60 के बीच में क्या होगा कि जितना साइन 30 की वैल्यू होगी वही कास 60 की वैल्यू होगी, और जो कास 30 की वैल्यू होगी वही जो है साइन 60 की वैल्यू होगी। और इस तरह से टैन 30 की जितनी वैल्यू होगी उतना ही काट 60 की वैल्यू होगी, और जो काट 60 की वैल्यू जितनी होगी 30 की वैल्यू होगी उतनी कार 60 की वैल्यू होगी। इस तरह से हम डायगनल आपको रिलेशन बता रहे हैं। सेक जितने 30 की वैल्यू होगी उसका तो हम आपको इसको कर सकते हैं, कास का इन्वर्स होता है, सेक का इन्वर्स होता है, तो इसलिए ये कास 30 की वैल्यू अंडर 3/2 होगी, तो सेक की हो जाएगी 2/3 हो जाएगी। और इसी तरह से जब सेक 30 की वैल्यू होगी वही कास कोसेक 60 की वैल्यू होगी, और जो कोसेक 30 की वैल्यू होगी वही सेक 60 की वैल्यू होगी, और साइन 45 की वैल्यू होगी 1/2 कास 45 की वैल्यू 1/2 होगी, और यदि हम टैन थीटा की वैल्यू निकालना चाहें टैन 45 डिग्री की वैल्यू, तो ये 1/2 में 1/2 बना जाएगा। इस तरह से टैन कास का उल्टा होता है, इस तरह से सेक की वैल्यू जो हमारा कास 1/2 की वैल्यू होगी उसी का इन्वर्स हो जाएगा, तो सेक का भी वैल्यू सेक 45 की वैल्यू अंडर 2 होगी, और कोसेक 45 की वैल्यू अंडर 2 होगी। तो इस तरह से मैं आपको टिप्स बताया, तो आपको इस तरह से आप इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को आप अच्छी तरह से लर्न कर सकते हैं, अच्छी तरह से अपने माइंड में रख सकते हैं। बस कुछ आपको जो इसमें सिक्स जो होगा उसके फार्मूले को आप आपके माइंड में रहना चाहिए, आप लर्न रहना चाहिए, तभी आप इसको फाइंड कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको यह टेबल यदि आपको समझ में आ गया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जितने भी मेरे ऑडियंस मेरे चैनल को देख रहे हैं, मैं सभी के मंगल में भी इसकी कामना करता हूँ। आप लोग जीवन में हमेशा प्रसन्न रहें, जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। आप मेरी आर्यन एजुकेशन एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें, इसमें मैं क्लास 9 से लेकर के 12 तक मैथ का कोर्स प्रोवाइड कर दिया हूं, तो आप मेरी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें। अब बच्चों, आप कमेंट नहीं करते बच्चों, यदि कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताएं, और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको यह जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री का टेबल बताया है आपको समझ में आया कि नहीं आया, तो आप कमेंट जरूर करिएगा। मैं आपको इसी प्रकार का टिप्स हमेशा बताता रहूंगा। गुड नाइट, थैंक यू।